पाकिस्तान में अच्छी जो कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में, फास्ट ही प्रोवाइड करता है। मैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग तो कर रहा था, लेकिन मेरे ग्रेड्स सबसे बेहतर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में ही आते थे। डिफरेंसेस जो हैं, काम शायद टेक्निकली पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन प्रोफेशनल और एथिकल वर्क एथिक्स जो हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़ा अच्छा काम भी जो है वहाँ पर नोटिस होता है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा काम आपका उतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा। अगर आप 8 घंटे काम करना है उसकी जगह 2 घंटे और काम करेंगे तो वो आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन वो ऊपर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ही ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने लेके आते हैं जो कि सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं और इसके साथ साथ ये दुबई में पिछले 6 साल से जॉब करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से। हम इनसे जानेंगे कि इनका ये सारा एक्सपीरियंस और जर्नी कैसा रहा, और एक ख़ास बात यह है कि 2006 में इन्होंने कासिम अली शाह साहब के पास भी तालीम हासिल की हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ओके सर। अच्छा उबैर हमीद साहब, आप मुझे ये बताइए कि आपने जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ आप गए, मतलब आपने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की लेकिन उसके बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गए, तो ये आपने स्विच क्यों किया, चेंज क्यों किया? फास्ट जो है उसकी एक ख़ास बात है कि सबसे पाकिस्तान में अच्छी जो कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में, फास्ट ही प्रोवाइड करता है। तो मैं टेलीकॉम इंजीनियरिंग तो कर रहा था, लेकिन मेरे ग्रेड्स सबसे बेहतर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में ही आते थे। और जैसे ही मैंने एजुकेशन कंप्लीट की तो पहले मुझे टेलीकॉम की जॉब आई और मैंने थोड़ी देर की, कुछ महीने की, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली स्विच मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स में मिला और फिर मैं तब से अब तक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स ही करता आया हूँ। तो इंटरेस्ट था शायद, और कुछ फास्ट वालों की भी थोड़ी वो थी पढ़ाने का तरीका, तो इस वजह से हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में ही रहा। सर आपने तकरीबन 6 साल पाकिस्तान में भी जॉब की और उसके बाद फिर आप दुबई चले गए, तो क्या डिफरेंस महसूस होता है आपको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में, यहाँ के लोगों के काम करने के तरीके में और वहाँ के लोगों में, क्या डिफरेंसेज हैं? एक्चुअली डिफरेंसेज जो हैं, काम शायद टेक्निकली पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन प्रोफेशनल और एथिकल वर्क एथिक्स जो हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यही लोग जो यहाँ से अच्छा काम सीख कर वहाँ पर जाते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और वहाँ पे क्योंकि वर्क एथिक्स को फॉलो किया जाता है, वर्क एथिक्स और ऑनेस्टी वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा नोटिस होती है। आपका थोड़ा अच्छा काम भी जो है वहाँ पर नोटिस होता है, यहाँ पर थोड़ा अच्छा काम आपका उतना ज़्यादा नोटिस नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर क्योंकि आप यहाँ की कंपनीज और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउसेज हैं वो वहाँ से प्रोजेक्ट्स ले रहे होते हैं, तो जब वो वहाँ के लोग, यहाँ के लोग वहाँ जाके डायरेक्टली उन कंपनीज में काम करते हैं तो उनका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, तो आपका काम नज़र आ जाता है। जैसे आप अगर किसी बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में काम कर रहे होंगे, तो डायरेक्टली हम सारे लोग जो हैं वो उसको यूज़ कर रहे होंगे इनडायरेक्टली, तो वहाँ पर जो मार्जिन ऑफ एरर है या वहाँ पर जो वर्क एथिक है, आपको आपका काम ओन करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो वो कंपनीज नहीं चल सकेंगी। ये मेरे ख्याल में एक मेजर डिफरेंस है कि आपको अपना काम को ओन करना, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और ज़ाहिर है अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप एक बहुत अच्छा काम करेंगे, तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो फिर आपका नाम भी बेहतर होगा, लोग आपको पहचानेंगे उस काम से। तो ये चीज़ जो है वो हमें मतलब यहाँ पे लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस करानी ज़रूरी है मेरे ख्याल में। सर करंटली अभी आप एग्जैक्टली क्या क्या काम कर रहे हैं? अच्छा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मैं iOS की एप्लीकेशंस के ऊपर काम करता हूँ, और इसके अलावा मैंने एंड्रॉयड और सर्वर साइड पर भी काम किया हुआ है, तो लेकिन जनरली मैं iOS या आईफोन की एप्लीकेशन है उनके ऊपर मैं काम करता हूँ। सर जो लोग आना चाहते हैं IT की फील्ड में, इंटरेस्ट रखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रखते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, आप उन्हें क्या गाइड करेंगे कि कौन से स्किल्स उनके पास होने चाहिए? डिग्री तो जाहिर है जो है वो मार्केट में वो वही कर सकते हैं, लेकिन स्किल्स उनके पास क्या होने चाहिए जिससे जब वो मार्केट में आए, आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, डिग्री उनके पास होती है, तो क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाती? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा।
सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं टेक्नोलॉजी सीख लेंगे तो उनको जो है जॉब मिल जाएगी। ऐसा मेरे ख्याल में ये 10% या 30% ऑफ द इक्वेशन है। अगर आप स्किल्स या टेक्नोलॉजी सीखें, फॉर एग्जांपल पाइथन, जावा, C++, iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये चीज़ें आप सीख लेंगे तो आपको एक टेक्नीशियन टाइप की जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको इंजीनियर टाइप की जॉब नहीं मिलेगी। उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी चीज़ें पढ़ाती हैं, जैसे कि एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, इस तरह की और बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। अच्छा, अब ये तो वो टेक्निकल पार्ट है जो कि हमारे लोगों को, हमारे कल के बच्चों को जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी बड़ी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ऐसी कंपनीज में जब आप काम करते हैं तो वो आपको ये चीज़ें पूछते हैं, वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं पूछते। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट इज़ के अब आपको ये टेक्नोलॉजी आती है या ये चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना कि आपका इंटरव्यूअर या इंटरव्यू से आप अगली स्टेप पे जाकर अपनी कंपनी में जब काम करना शुरू करेंगे, आप अपने मैनेजर को अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी हम सरकासिम भी अक्सर एक्सप्लेन करते हैं, वो आप अगर आपके पास नहीं होंगी तो आप अपना काम बता ही नहीं सकेंगे। आप किसी को बता नहीं सकेंगे कि मैंने ये किया है या मैं ये कर रहा हूँ। और अगर आप खुद से, अब इससे नेक्स्ट स्टेप है कि आपने खुद काम अच्छा करना शुरू कर दिया, आपने अपने आप को दिखा दिया है कि आप काम अच्छा करते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप है कि जब आपने लोगों को सिखाना है, यानी कि आप मैनेजर बन गए हैं, तो फिर उस टाइम पर आपको लीडरशिप स्किल्स, और चाहे वो बहुत बड़ी लीडरशिप स्किल्स ना हो, लेकिन अगर आप 3 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को, और इन फ्यूचर अगर कोई मतलब आप बड़ी टीम्स को, 50-100 पीपल की टीम को आप लीड कर रहे हैं, तो जब तक आप वो स्किल्स आप नहीं सीखेंगे तो आप बहुत ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो लेकिन इन द स्टार्ट आपको टेक्नोलॉजी, फिर आपको जो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, फिर आपको सॉफ्ट स्किल्स, और फिर लीडरशिप स्किल्स, ये चीज़ें जो है ना वो आपको सबको लर्न करनी चाहिए, और ये बाय द टाइम ग्रेजुअली लर्न की जा सकती हैं, एकदम किसी को नहीं आती। सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी अवाम और जो मुख्तलिफ जो है आप कह लें कि कंट्री से लोग आते हैं दुबई में या किसी भी जगह पे काम करने के लिए जाते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों के काम करने में? दोनों के काम करने में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो वर्क एथिक का, मुझे लगता है। अगर लोग जो हैं वो ऑनेस्टी से पूरा टाइम, जितना टाइम उन्होंने काम करना है वो काम करें, जैसे और आप सर कासिम भी कहते हैं और भी आप कभी भी वर्क इम्प्रूवमेंट, लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए या ग्रो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए आपको जितना काम आपने आपके लिए आपसे रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा करना चाहिए आपको। अगर आप 8 घंटे काम करना है उसकी जगह 2 घंटे और काम करेंगे तो वो आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं, वो आपने इसलिए नहीं करना कि आपको आप उस कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, वो आप अपने लिए काम कर रहे हैं। ये चीज़ इम्प्रूव करनी काफ़ी ज़रूरी है। अब एक मैं एग्जांपल आपको दूं कि पाकिस्तानीज काफ़ी लोग जो हैं वो, लेट से 100 पाकिस्तानी बाहर जाएंगे, 100 में से 30 लोग जो हैं वो 1-2 साल में वापस आ जाएंगे, बाकी 30 लोग जो हैं वो 7-8 साल में वापस आ जाएंगे, बाकी 30 जो होंगे वो वहाँ पर रुक जाएंगे। अब उन 30 में से अगर 5 लोग भी अपनी कंपनी फॉर्म कर लेते हैं और पाकिस्तान को इवेंचुअली कुछ ना कुछ पे बैक कर रहे होंगे, ये सारे लोग जो हैं वो रेमिटेंसेस भेज रहे होंगे, कुछ ना कुछ फ़ायदा कर रहे होंगे अपने घर वालों का, लेकिन वो जो 5 लोग होंगे वो कंपनी फॉर्म करेंगे, फिर वो हो सकता है कई लोग 100-100, 200-200 एम्प्लॉयज़ को सस्टेन कर रहे हों। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो 100-200 लोग जो हैं वो भी उनके घर चलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये करना पाकिस्तानी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सर, अगर हम कंपेयर करें थोड़ा सा पाकिस्तान के लोगों को या जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको अगर हम कंपेयर करें किसी भी दूसरे मुल्क से, तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों में टैलेंट ज़्यादा है, कमिटमेंट, टैलेंट वो इनमें ज़्यादा है या बाकी लोगों में ज़्यादा है? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैं ख़ासतौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करूँगा और इन जनरल बाकी लोग भी, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान में इंडिविजुअल की मेहनत का जो टैलेंट है या उसकी जो मेहनत के रिजल्ट्स हैं वो आप देखेंगे, ये पाकिस्तान में बहुत सारे इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही। तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन वो ऊपर नहीं आता। सही। इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि जो है ना वो सबको ये मेहनत करने की ज़रूरत है,
और ये पाकिस्तान से बाहर भी जाकर जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से बाहर जब जाके वो मेहनत करते हैं तो उनको थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, और पाकिस्तान के कई प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है कि कई लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते, लेकिन बाहर के जो मतलब बहुत सारे और मुल्कों के लोग हैं वो सिर्फ एक्सपोजर लेने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तो और मुल्कों के लोग जो हमारे हमारे कंपेटिटर्स भी हैं, उनको उनकी उनमें ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ होती है कि वो पाकिस्तान की नस्बत ज़्यादा बाहर आते हैं, एक आता है उसके साथ पांच और आ जाते हैं। सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसका स्कोप, जैसे कि अभी आपने कहा बाहर भी लोगों को जाना चाहिए, बाहर ज़्यादा है या पाकिस्तान में ज़्यादा है? देखें, दोनों जगह बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हर चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पे है, तो पाकिस्तान से सीख कर अगर बाहर जाए ना तो ये बहुत बड़ी बहुत फ़ायदेमंद है। तो पाकिस्तान से लोग कम बाहर जाते हैं, हालांकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा मेहनती हैं और ज़्यादा कमिटमेंट होती है उनमें, और सिर्फ एक जो कमी होती है मुझे लगता है वो उसको जो इम्प्रूव की जा सकती है वो ये है कि थोड़ी सी जो वर्क है कि इम्प्रूव की जाए, और थोड़ी सी अपनी इंग्लिश या सॉफ्ट स्किल्स जो हैं और इस तरह की और स्किल्स उनको इम्प्रूव किया जाए। सर, कासिम अली शाह साहब को आप 2006 से जानते हैं, आप उनके स्टूडेंट भी रहे हैं, तो तब के कासिम अली शाह साहब में और आज जहां उनके लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आप अब भी उन्हें जानते हैं यकीनन, तो आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको डिफरेंस महसूस होता है, और कुछ उनकी कही हुई बातें उस वक्त जो उन्होंने आपसे की थी वो अब आज उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको नज़र आती हैं? मैं 2004 से सर कासिम से पढ़ना स्टार्ट किया था, और मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट्स जो थे ना वो वही 2 साल थे। तो सर ने कई ऐसी चीज़ें पढ़ाई बताई, मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हमने तब लिए, अब के और तब के लेक्चर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उन चीज़ों के अलावा जो उन्होंने नई लोगों को पढ़ानी शुरू की हैं, हमने सर ने मेरा ख्याल में मोटिवेट तो किया ही, लेकिन उन्होंने हमें जो है ना वो तरबियत भी करने की एक कोशिश की। और मैं ये देखूं कि अगर हमारे बैच के बाकी सारे लोग भी जो हैं वो अब बहुत अच्छी जगहों पे हैं, और मेरे ख्याल में मेरी जो कुछ सक्सेस है उसमें थोड़े से एक मेजर पोर्शन ऑफ दैट सक्सेस क्रेडिट गोज़ टू सर कासिम। थैंक यू सो मच उबैर हमीद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे स्किल्स को अगर आप डेवलप कर लें तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।